कोटरी हैदराबाद के दरमियान रेलवे लाइन टूट गई, ट्रेन हादसे से बच गई। पिशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस ने कोटरी अबूर किया तो अचानक रेलवे ट्रैक पर इलाका मकीनों ने खड़े होकर ट्रेन ड्राइवर को खतरे से आगाह करना शुरू कर दिया, जिस पर ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया। हिदायत मिलने पर ट्रेन ड्राइवर ने अवाम एक्सप्रेस को बहुत कम रफ्तार से उस मकाम से गुजारा। तालिबान का अफगानिस्तान के 200 से ज्यादा अज़ला पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ साथ तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पों में तेजी आ गई। मगरबी सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान के कुल 421 अज़ला में से एक तिहाई हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि NCOC की तजवीज़ पर आज से तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की रवानगी और आमद बंद रहेगी। तुरखम बॉर्डर पर इमिग्रेशन NCOC की नई गाइडलाइंस तक बंद रहेगी। शाहिद हकान अब्बासी का कहना है कि आप नैब चला लें या हुकूमत चला लें, नैब के होते हुए मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हजारों अरब के स्कैंडल्स पर एहतसाब ब्यूरो खामोश बैठा है। चेयरमैन नैब को चाहिए कि झूठे केस खत्म करें। मेरे खिलाफ केस ये कि LNG की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती प्लांट लगाया गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज्यादा बड़ा है। चीनी सरमायाकारों ने $1 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी का बताया। गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। चीनी सरमायाकारों ने वजीर आजम से वीडियो लिंक से बात की। बलूचिस्तान के लिए वजीर आजम की हिदायत पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। फवाद चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफी हद तक तोड़ दिया, अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब है। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मनसूबे मुकम्मल करेगी, जबकि सूबाई हुकूमत ने रवां बरस के लिए 180 अरब रुपये तरक्याती मनसूबों के लिए मख्तस किए हैं। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के अहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कोर कमांडर लाहौर समेत दीगर वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत दीगर जजेस, सरकारी वकला, सियासी और समाजी शख्सियात भी तकरीब में मौजूद थे। और नवाब शाह में मैट्रिक का रियाजी का पर्चा आउट, सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। शहीद बेंजराबाद के तहत होने वाले 9वीं-10वीं के पर्चे मजाक बनकर रह गए। रियाजी का हलचुदा पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। तुलबा सोशल मीडिया ग्रुप की मदद से पर्चा हल करते रहे। आउट पर्चे और नकल की रोकथाम के लिए बनाई गई विजिलेंस कमेटियां नाकाम हो गई।